अब हम डिजाइन ऑफ स्टेम देखते हैं। दिस स्टेम स्लैब इज डिजाइनड एज अ कंटीन्यूअस स्लैब स्पैनिंग बिटवीन टू काउंटर फोर्ट्स। कंटीन्यूअस स्लैब की तरह ही हम स्टेम स्लैब को डिजाइन करेंगे। प्रेशर एट द बेस ऑफ स्टेम होगा के इंटू गामा इंटू स्मॉल एच। इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकोगे, प्रेशर एट द बेस ऑफ स्टेम होगा के इंटू गामा इंटू एच। एच यानी कि स्मॉल एच जो है 7.8 मीटर। हमें बेस ऑफ स्टेम चाहिए यानी कि ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू है हमारे पास 1/3, गामा है 16 और एच है 7.8 मीटर। तो हमें प्रेशर एट बेस ऑफ स्टेम मिलेगा 41.60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मोमेंट एट सपोर्ट हमें मिलेगा WL2/12 और मोमेंट एट मिड स्पैन हमें मिलेगा WL2/24। जो हमने आगे मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था उसी तरह हम मोमेंट की वैल्यू यहाँ लेंगे। एट सपोर्ट मोमेंट होगा -1.5 मल्टीप्लाई बाय WL2/12। W की वैल्यू हमने आगे फाइंड की 41.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और लेंथ हमने ली है 3 मीटर। तो हम ये सोल्व करेंगे तो हमें सपोर्ट पर मोमेंट मिलेगी 46.80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरह हमें मिड स्पैन पर मोमेंट मिलेगा 23.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम सपोर्ट पर रेनफोर्समेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें MU/BD² की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके बाद हम PT फाइंड करेंगे और उसके बाद हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। सपोर्ट पर मोमेंट हमने फाइंड किया 46.80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू MM में कन्वर्ट किया है इसीलिए 10^6 किया हुआ है। डिवाइड बाय 1000 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ है 250 जो हमने यहाँ फाइंड किया था। तो हमें MU/BD² की वैल्यू मिलेगी 0.749। अब हम SP16 में पेज नंबर 48 में टेबल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ हमारी MU/BD² की वैल्यू 0.70 से 0.75 के बीच में आ रही है। ग्रेड ऑफ स्टील है 4/5 यानी कि हमारी वैल्यू होगी 0.203 से लेके 0.218 के बीच में। तो हम इंटरपोलेशन करके इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें रेनफोर्समेंट परसेंटेज यानी कि PT की वैल्यू मिलेगी 0.218%। यानी कि एरिया ऑफ स्टील होगा PT/100 B इफेक्टिव डेप्थ जो हमें मिलेगा 545 mm². अब हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं 12 mm डाया बार एट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर जिसका एरिया ऑफ स्टील होगा 565 mm² एट सपोर्ट नियर काउंटरफोर्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे हम। यहाँ आप देख रहे हो 12 mm डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। इसी तरह हम मिड स्पैन पर फाइंड करेंगे। MU की वैल्यू हमारे पास है 23.40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। डिवाइड बाय 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 250 का स्क्वायर करेंगे तो हमें MU/BD² की वैल्यू मिलेगी 0.3744। अब हम SP16 में पेज नंबर 48 में टेबल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ हमारी MU/BD² की वैल्यू 0.35 से लेके 0.40 के बीच में आ रही है। ग्रेड ऑफ स्टील है 4/5 यानी कि PT की वैल्यू हमें मिलेगी 0.099 से लेके 0.114 के बीच में। अब हम इंटरपोलेशन करेंगे तो हमें PT की वैल्यू मिलेगी 0.106% जो हमारी मिनिमम रेनफोर्समेंट की परसेंटेज है 0.12% उससे कम है यानी कि हम मिनिमम 0.12% लेंगे। प्रोवाइड PT इज इक्वल टू 0.12% ऑफ टोटल एरिया यानी कि एरिया ऑफ स्टील होगा PT/100 मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू ओवरऑल डेप्थ। यहाँ हम एवरेज थिकनेस ऑफ स्टेम करेंगे जो होगा 300 + 200/2 यानी कि 250 mm। तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 300 mm²
यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया बार्स के 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 314 mm स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट मिड स्पैन ऑन टॉय फेस। जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया बार्स एट 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन स्टेम फाइंड करते हैं। एवरेज थिकनेस ऑफ स्टेम होगी 250 mm, क्योंकि टॉप की थिकनेस है 200 mm और बेस की थिकनेस है 300 mm। इस फिगर से आप समझ सकोगे टॉप की थिकनेस है 0.20 मीटर और बेस की थिकनेस है 0.30 मीटर। प्रोवाइड करेंगे मिनिमम 0.12%, तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 300 mm स्क्वेयर, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया बार एट 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और इसका एरिया ऑफ स्टील होगा 314 mm स्क्वेयर इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑन टॉय फेस। ऑल्सो प्रोवाइड 8 mm डाया एट 320 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज ऑन हिल फेस इन स्टेम, जो 0.06% होगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमने प्रोवाइड किया है 8 mm डाया एट 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और हिल फेस पर हमने प्रोवाइड किया है 8 mm डाया 320 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। अब हम चेक फॉर शियर देखते हैं। मैक्सिमम शियर एट द फेस ऑफ काउंटर पार्ट होगा VU इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय WL डिवाइड बाय 2। L होगा क्लियर स्पेन बिटवीन काउंटर फोर्स। हम अज्यूम करते हैं विड्थ ऑफ काउंटर फोर्स 300 mm, यानी कि क्लियर स्पेन होगा 3000 माइनस 300 इज इक्वल टू होगा 2700 mm, यानी कि 2.7 मीटर। प्रेशर हमने फाइंड किया था 41.60 मल्टीप्लाई बाय 2.7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें शियर फोर्स मिलेगा 84.24 किलो न्यूटन। अब हमें टाउ वी की वैल्यू मिलेगी VU डिवाइड बाय BD से। VU की वैल्यू है 84.24 किलो न्यूटन, यहाँ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है, डिवाइड बाय B इंटू इफेक्टिव डेप्थ करेंगे तो हमें टाउ वी की वैल्यू मिलेगी 0.337 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। अब हमें डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि टाउ सी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें 100 मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइड बाय B इनटू इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ स्टील हमने प्रोवाइड किया था 565 mm स्क्वायर, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 250 करेंगे तो हमें PT की वैल्यू मिलेगी 0.226%। अब हम IS 456/2000 पेज नंबर 73 में टेबल नंबर 19 देखेंगे। यहां हमारी 100 मल्टीप्लाइड बाय AST डिवाइड बाय B इनटू इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 0.15 से 0.25 के बीच में आ रही है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 हमारे पास, यानी कि टाउ C की वैल्यू 0.28 से लेके 0.36 के बीच में होगी। तो हम इंटरपोलेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमें टाउ सी की वैल्यू मिलेगी 0.341 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम है, यानी कि हियर सेफ इन सीयर। अब हम चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल बार इन स्टेम एट सपोर्ट 12 mm डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो हमने प्रोवाइड किया है मस्ट बी चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ नियर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। शियर फोर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा एट 0.15 इंटू एल, जो होगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.15 इंटू एल। प्रेशर एट द बेस ऑफ स्टेम हमने फाइंड किया था 41.60 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय एल है 2.7 मीटर, तो हमें शियर फोर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलेगा 39.31 किलो न्यूटन। वी यू यानी कि शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड हमें मिलेगा
1.5 मल्टीप्लाई बाय 39.31 से जो होगा 58.96 किलो न्यूटन। अब हम IAS 456 2000 में पेज नंबर 44 देखेंगे। इसमें क्लोज नंबर 26.2.3.3C में हमें ये कंडीशन दी हुई है। इसमें क्लोज नंबर 26.2.3.3C में हमें ये कंडीशन दी हुई है। MU1 की वैल्यू होगी 23.40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, जो हमने आगे फाइंड किया है मिड स्पैन मोमेंट में, यहां पर फाइंड किया था। VU हमने आगे फाइंड किया 58.96 किलो न्यूटन, यहां पर इफेक्टिव डेप्थ है 250 mm। तो यहां हम सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 646.88 mm, जो 47 इंटू डाया ऑफ बार से ज्यादा है, यानी कि रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ से प्रोवाइडेड डेवलपमेंट लेंथ ज्यादा है। दिस बार मस्ट बी एक्सटेंडेड अप टू अ पॉइंट डिस्टेंस L0 बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर 0.15 L प्लस 250 इज इक्वल टू होगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2700 mm प्लस 250 जो होगा 655 mm, यानी कि 700 mm फ्रॉम द फेस ऑफ काउंटर फोल्ड। काउंटर फोल्ड के फेस से 700 mm तक हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे। इस फिगर में आप देख रहे हो 700 mm। अब हम कनेक्शन ऑफ स्टेम विथ काउंटर फोर्ड्स देखते हैं। स्टेम इज कनेक्टेड टू काउंटर फोर्ड्स बाय टू लेग्ड हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स टू कैरी एंटायर शियर फोर्स। द हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट एनी डेप्थ वाई फ्रॉम टॉप होगा के इंटू गामा इंटू वाई किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। गामा की वैल्यू है 16, के की वैल्यू है 1/3, यानी कि एनी डेप्थ वाई पर हमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर मिलेगा 5.33 इंटू वाई किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। टोटल शियर फोर्स एट डेप्थ y होगा 533 y मल्टीप्लाई बाय 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर। 2.7 है क्लियर स्पेन बिटवीन टू काउंटर फोर्स, यहाँ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। अब हमने 2.7 मीटर मल्टीप्लाइड किया, इसीलिए किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। यानी कि 14.39 इंटू वाई किलो न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ स्टेम। इसे फैक्टर करेंगे तो हमें फैक्टर शियर फोर्स मिलेगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 14.39 वाई मल्टीप्लाई बाय 10^3 जो होगा न्यूटन पर मीटर हाइट ऑफ स्टेम। यहाँ किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10^3 किया हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ स्टील होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 14.39 इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय 10^3 डिवाइड बाय 0.87 इंटू एफ वाई। एफ वाई यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील है 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और वाई की वैल्यू है मीटर में। तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 59.78 इंटू वाई एमएम स्क्वायर। एज बेस ऑफ स्टेम वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 7.8 मीटर। तो बेस ऑफ स्टेम पर हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 59.78 मल्टीप्लाई बाय 7.8, जो टॉप से लेके बेस तक की हाइट है 7.8 मीटर, यानी कि एरिया ऑफ स्टील होगा 466.28 mm स्क्वायर फॉर टू लेग्स। AST फॉर वन लेग ऑफ स्टीरअप होगा 466.28 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 233.14 mm स्क्वायर। यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया बार टू लेग्ड हॉरिजॉन्टल स्टीरअप एट 210 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और इसका एरिया ऑफ स्टील होगा 478 mm स्क्वायर, जो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील से ज्यादा है। दिस स्टीरअप्स विल ऑल्सो सर्व द पर्पस ऑफ शियर रेनफोर्समेंट ऑफ काउंटर फोर्ड। इसी तरह एट वाई इज इक्वल टू 4.8 मीटर
टॉप, यानी कि बेस से 3 मीटर तक एरिया ऑफ स्टील हमें मिलेगा 286.94 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील फॉर 1 लेग ऑफ स्टीरअप होगा 286.94 डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो हमें मिलेगा 143.47 mm स्क्वायर। यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 6 mm डाया बार एट 190 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, 2 लेग्ड हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स, और उसका एरिया ऑफ स्टील होगा 298 mm स्क्वायर, जो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील से ज्यादा है। यानी कि 0 से 3 मीटर हाइट तक हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया 2 लेग्ड स्टीरअप्स एट 210 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और 3 से लेकर 7.8 मीटर हाइट तक हम प्रोवाइड करेंगे 6 mm डायर 2 लेग्ड स्टीरअप्स 190 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर।